तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू मारुति सुजुकी वैगनआर के एलएक्सआई 1.0 वाले वेरिएंट के बारे में। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं 2021 में तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी की नई कीमत क्या है, और अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस करवाते हैं तो इसमें मैं आपको 3 फाइनेंस प्लान भी बताऊंगा, 7 साल की, 6 साल की और 5 साल की। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के न्यू प्राइस की। तो अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं राजस्थान के जैसलमेर सिटी से तो इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस होगी 4,93,174 रुपये, जिसमें आपका RTO चार्ज जुड़ेगा 42,474 रुपये। वहीं अगर इस गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका लगेगा 25,812 रुपये और फास्टैग का लगेगा सिर्फ 500 रुपये। यानी कि सभी टैक्स और चार्जेस जोड़ने के बाद इस गाड़ी की टोटल ऑन रोड प्राइस निकल कर आती है 5,61,960 रुपये। अब अगर बात करें इस गाड़ी के फाइनेंस डिटेल की तो इसमें मैं आपको 3 फाइनेंस प्लान बताऊंगा। तो अगर सबसे पहले हम बात करें इसके 7 साल वाले फाइनेंस प्लान की, तो इसमें अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट 2,50,000 रुपये तक का करेंगे तो इसमें 10% का इंटरेस्ट रेट लगाने पर इस गाड़ी का लोन अमाउंट बनेगा 3,11,960 रुपये, और इसमें आपकी हर महीने की किस्त बनेगी 5,178 रुपये। अब अगर बात करें इस गाड़ी के 6 साल वाले फाइनेंस डिटेल की तो इसमें भी उदाहरण के लिए अगर आप 2,50,000 रुपये तक का डाउन पेमेंट करते हैं तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 10% लगाने पर आपका टोटल लोन अमाउंट 3,11,960 रुपये का बनेगा, और इसमें आपकी मंथली किस्त बनेगी 5,779 रुपये की। अब हम दोस्तों फाइनली लास्ट में बात कर लेते हैं इस गाड़ी के 5 साल वाले फाइनेंस प्लान के बारे में। तो अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस केवल 5 सालों के लिए करवाते हैं तो इसमें भी अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट 2,50,000 रुपये तक का करेंगे तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 10% लगाने पर आपका टोटल लोन अमाउंट 3,11,960 रुपये का बनेगा, और इसमें आपकी मंथली किस्त 6,628 रुपये की बनेगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर आप किसी और गाड़ी के फाइनेंस प्लान और उसके न्यू प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।